हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम द साम ऑफ लाइफ क्लास 10th पोइट्री, जो कि एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो जी के द्वारा लिखा हुआ है, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड पार्ट का स्टेंजा लेकर आप लोग के बीच में आया हूँ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पैसेज को या स्टेंजा को ध्यान से पढ़ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी होता है और इसके माध्यम से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहले स्टेंजा को ध्यान से पढ़ लेते हैं। स्टेंजा को ध्यान से पढ़ने के बाद हमको पता लगाना होता है कि ये स्टेंजा किस पोएम से ली गई है और इसके पोएट कौन है। तो पहले स्टेंजा को ध्यान से पढ़ते हैं। नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टाइंड एंड आर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर दैन टुडे। तो कहते हैं कि नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आनंद लेना और या फिर दुखी होना ही नहीं है। इज़ अवर डिस्टाइंड एंड आर वे, और ना ही हमें भाग्य के भरोसे पड़े रहना है। बट टू एक्ट दैट इज़ टुमारो, बल्कि हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए काम करना है। और फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, जिससे कि हम कल को आज से अच्छा बना सकें। तो गाइज, ये था इसका समझने के लिए। अब हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझते हैं और तब उसके आंसर्स देने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ हिज ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबो नोटेड स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, जहाँ से यह उपयुक्त स्टेंजा लिया गया है उस पोएम के पोएट कौन है। दूसरा है, इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, उस जहाँ से पंक्तियाँ ली गई हैं उस पोएम का टाइटल क्या है, यह भी पूछ सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा की प्रथम दो लाइनों में कवि क्या कहता है। व्हाट इज द मेंट बाय द वर्ड्स डिस्टाइंड, और डिस्टाइंड नामक वर्ड का मतलब क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, हमें जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ वर्ड फाइंड अस फर्दर, यहाँ पर फाइंड अस फर्दर का मतलब क्या होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टेंजा, नीचे दिए गए या उपरोक्त स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स खोजना होगा आपको। इसी प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द यंग मैन इन एबो स्टेंजा, इस उपरोक्त स्टेंजा में कवि ने अपने पोएम के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश दिया है, क्या सलाह दिया है। ये तो थे आपके क्वेश्चंस गाइस। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हम लोग एक एक करके देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज़ द हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबो स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, इसका Hmm.